नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर हिंदी पौराणिक कथाएं में स्वागत है। दोस्तों, सुबह प्रातः काल 3 से 5 बजे के बीच आपकी नींद खुलती है और आप भी शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो क्या ऐसा करना सही है? ज्यादातर लोग दोस्तों रात में ही शारीरिक संबंध बनाते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि सुबह नींद खुलने के बाद में शारीरिक संबंध या सेक्स करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, ऐसे में एक प्रश्न यह उठता है कि शास्त्रों के अनुसार सुबह प्रातः काल 3 से 5 बजे के बीच सेक्स करना या शारीरिक संबंध बनाना के बारे में क्या कहा गया है? और दोस्तों, अगर आप बजरंगबली की छत्र छाया में रहना चाहते हो और उनका आशीर्वाद लेना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जय जय बजरंगबली अवश्य लिखें। आज एक कमेंट जय बजरंगबली जी के लिए जरूर करना। दोस्तों, अगर हम शास्त्रों से पहले विज्ञान की माने तो विज्ञान में कहा गया है कि दोस्तों, जी हाँ, सुबह में किया गया सेक्स दिमाग को एक्टिव बनाता है, क्योंकि इससे पूरे शरीर में हार्मोन्स बनने लगते हैं जो आपके दिमाग को पूरे दिन के लिए तैयार कर देता है। आप चीजों पर ज्यादा फोकस कर पाते हैं और आपको ज्यादा बातें याद रहती हैं। दोस्तों, सुबह में किया गया सेक्स एक मॉडरेट वर्कआउट के रूप में कारगर है, जहां आपको एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ दिन की शुरुआत करने का मौका देता है। साथ ही इससे स्ट्रेचिंग भी हो जाती है, जिससे आप दिन भर एक्टिव महसूस करते हैं। अच्छा सेक्स कैलोरी बर्न कर सकता है और यह आपके लिए फायदेमंद है। साल 2018 में हुए एक सर्वे में शामिल 1000 वयस्कों में से 53% लोगों ने यह माना कि सुबह में सेक्स करने से वे दिन भर ऊर्जावान महसूस करते हैं। दोस्तों, रात भर आराम करने के बाद सुबह शरीर एनर्जी से भरपूर होता है। अगर आप सुबह सेक्स करते हैं तो शरीर ज्यादा सेक्स हार्मोन बना पाता है। सुबह के समय सेक्स करने से फील गुड केमिकल, जिसे लव ड्रग भी कहते हैं, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। इससे सेक्स ज्यादा आनंददायक और संतुष्टि भरा होता है और इससे लिबिडो भी बढ़ती है। इसके कारण कपल्स के बीच दिन भर बेहतरीन बॉन्डिंग बनी रहती है। दोस्तों, नियमित रूप से मॉर्निंग में सेक्स करने से न सिर्फ आप दिन भर अच्छा महसूस करते हैं, बल्कि इससे आपका इम्यून सिस्टम यानी रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। दोस्तों, इस सर्वे के मुताबिक ज्यादातर महिलाओं का कहना था कि उनका पार्टनर ज्यादातर रात के समय में ही सेक्स करता है, लेकिन महिलाओं का मानना था कि सुबह के समय उन्हें सेक्स करने में ज्यादा आनंद आता है। जब वह सुबह के समय यौन संबंध बनाती हैं तो उन्हें जल्दी ही संतुष्टि प्राप्त हो पाती है। यही कारण है कि ज्यादातर महिलाएं सुबह के समय से सकरना ज्यादा पसंद करती हैं। महिलाओं का मानना है कि रात के समय बहुत ज्यादा थकान महसूस कर रही होती हैं और उस समय वह सोना पसंद करती हैं। अब दोस्तों, शास्त्रों की माने तो आज तक आपने शास्त्रों के बारे में कई बातें सुनी होंगी कि किस समय क्या करना उचित होता है और किस समय क्या करना अनुचित, जिससे कि हमारी जिंदगी में किसी भी तरह का दुष्प्रभाव न पड़े, हमें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। दोस्तों, स्त्री हो या पुरुष, दोनों के लिए सुबह की शुरुआत अच्छी हो जाए तो पूरा दिन सुखद और शांत रहता है। इसी वजह सुबह कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे दिन की शुरुआत ही बिगड़ जाए। यदि ऐसा होता है तो पूरे दिन ही हमारे स्वभाव पर और सभी कामों पर इसका गलत असर होता रहेगा। लेकिन दोस्तों, क्या आपने पहले कभी ये सुना है कि आधी रात के बाद सेक्स नहीं करना चाहिए? नहीं सुना तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि रात को 12 बजने के बाद शारीरिक संबंध क्यों नहीं बनाने चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में हर कार्य के लिए समय निर्धारित है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार रात 12 बजे बाद अगला दिन शुरू हो जाता है तथा ब्रह्मा बेला से ठीक पहले वाला समय आरंभ हो जाता है। ऐसे समय पर व्यक्ति की मानसिक तथा आध्यात्मिक शक्तियां जागृत हो जाती है, इसीलिए मध्य रात्रि के एक प्रहर बाद से ब्रह्म मुहूर्त आरंभ हो जाता है। दोस्तों, ऐसे समय में व्यक्ति को अध्ययन, मनन, ध्यान तथा भगवान की पूजा पाठ जैसे कार्य करने चाहिए। कोई नई योजना बनानी हो तो भी उसके लिए यह समय बहुत उपयुक्त है, परंतु इस समय भूलकर भी शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए, अन्यथा पुरुषत्व की हानि होने के साथ साथ व्यक्ति का बुरा समय आरंभ हो जाता है। शारीरिक संबंध बनाने के लिए सर्वोत्तम समय ब्रह्मा मुहूर्त के प्रहर से पहले अर्थात सुबह 3 बजे से पहले का ही ठीक माना जाता है।
दोस्तों, शास्त्रों में इस बात की पुष्टि की गई है कि शारीरिक संबंध बनाने के लिए ब्रह्मा मुहूर्त के प्रहर से ठीक पहले, मतलब कि सुबह 3 बजे से पहले का समय सबसे उपयुक्त होता है, लेकिन इस समय के बाद अगर शारीरिक संबंध बनाया जाए तो उसे शास्त्र में बुरा बताया गया है। आधी रात के बाद सेक्स नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस तरह की जो भी जानकारी हम आपको देते हैं वो पूरी तरह शास्त्रों पर आधारित है, हमारी कोई अपनी बनाई हुई बातें नहीं है। दोस्तों, नंबर एक, अगर किसी व्यक्ति की नींद अचानक से बार बार रात में 3 बजे के बाद खुलती है तो इसे मामूली बात ना समझें। यह संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियां जागृत हो जाती है, जो आपसे बहुत कुछ कहना चाहती है। ऐसे में आपका बार बार 3 बजे के बाद उठना कामयाब होने का संकेत है। वहीं रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं से मांगा हुआ वरदान कभी भी खाली नहीं जाता। ईश्वर आपकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं, लेकिन दोस्तों, जब भी अगर आपकी आंख 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो आपको ये काम जरूर कर लेना चाहिए जो स्वयं ईश्वर आपसे चाहते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती। क्या है वह काम, हम आगे वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले चलिए जान लेते हैं कि ऐसे ही और संकेत क्या है। नंबर दो, अगर आपको आपके सपने में ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं और वहां से बहता हुआ खजाना आपको दिखाई देता है और इस जल को आप पी लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कामयाबी अवश्य प्राप्त होती है, और इस संकेत का मतलब है कि खुद ईश्वर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। नंबर तीन, दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अगर आपके सपनों में देवी देवता दिखाई देते हैं तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सपने में देवी देवताओं का आना अत्यंत लाभकारी है। सपनों में देवी देवताओं का आना एक पवित्र व्यक्ति होने का संकेत देता है। ऐसे व्यक्ति को कामयाबी चुटकी भर में मिल जाती है, लेकिन ऐसे सपने कभी भी किसी के साथ आपको शेयर नहीं करनी चाहिए। नंबर चार, पूर्वाभास, अगर आपको आने वाली घटनाओं का पहले ही आभास हो जाता है तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियों की आप पर कृपा है। नंबर पांच, पारिवारिक प्रेम, आपकी पत्नी, बेटा, बेटी और आपके सभी परिजन आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, वो सभी आपसे प्यार करते हैं और आप भी उससे प्यार कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्ति आपसे प्रसन्न है। नंबर छह, भाग्य से भी तेज, दोस्तों, जीवन में आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो जाता है। आपके किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की आपको कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती और सभी कुछ आपको बहुत आसानी से मिल जाता है, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियाँ आपकी मदद कर रही है। दोस्तों, नंबर सात, सुगंधित वातावरण का है। अगर कभी कभी आपको यह महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई है या आपको बिना किसी कारण ही आसपास सुगंध का एहसास हो, तो समझ जाइए कि दैवीय शक्ति आपके आसपास ही है और आपकी मदद करना चाहती है। नंबर आठ, सुहानी हवा, आप पूजा कर रहे हैं और अगर आपको लगे कि अचानक सुहानी हवा का झोंका आया है या शरीर में कुछ अचानक दौड़ता सा प्रभाव महसूस हुआ हो जो कि पहले कभी भी न हुआ हो, तो समझ जाइए कि देवी या देवता आप पर प्रसन्न हैं। दोस्तों, नंबर नौ, ठंडी हवा का घेरा, भूमि पर भी रहते हुए कभी कभी आपको यह एहसास हो कि मेरे आसपास बादल या ठंडी हवा का एक कुंज है जिसने मुझे घेरा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि दिव्य शक्तियों ने आपको घेरा हुआ है। ऐसा अक्सर बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्तियों के साथ होता है। दोस्तों, नंबर 10, रोशनी का पुंज, अचानक ही आपको तेज रोशनी का कुछ दिखाई दी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, या आपको अचानक ही कानों में मधुर संगीत सुनाई दे और आप आश्चर्य में रह जाएं कि यहाँ आसपास तो कोई संगीत तो बस ही नहीं रहा, फिर भी वो आपके कानों में सीटी बजने की तरह सुनाई दे, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियाँ आपके आसपास ही हैं और आपसे बात करने की कोशिश कर रही है। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो निरंतर ही अपने इष्ट देव का मंत्र जप करते रहते हैं। दोस्तों, नंबर 11, किसी की आवाज़ सुनाई देना, दोस्तों, आप रात्रि में गहरी नींद में सो रहे हैं और आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवाज़ दी है या उठाने की कोशिश की है और आप अचानक ही उठ जाते हैं,
लेकिन फिर आपको आभास होता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन आवाज तो जरूर थी। ऐसा आपके साथ कई बार हुआ हो तो आप समझ जाइए कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है। ऐसे में आप हनुमान जी का ध्यान करें और धन्यवाद करें। दोस्तों, नंबर 12, सपने में अगर आपको हरे भरे बाग, बगीचे या फिर खेत दिखाई दे, यानी चारों तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे, तो इसका मतलब है कि आपको जल्द धन प्राप्त होने वाला है। इसी तरह अगर आपको सपनों में शंख और मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दे, तो इसका मतलब आपके पास किसी न किसी माध्यम से धन आने वाला है। दोस्तों, नंबर 13, सपने में उल्लू देखना भी धन की प्राप्ति का संकेत माना जाता है। सपने में लाल साड़ी वाली महिला पूर्ण श्रृंगार करें दिखाई दे, तो इसका मतलब है कि आपको लक्ष्मी माँ ने दर्शन दिए हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति जल्द अच्छी होने का संकेत है। क्योंकि जब स्वयं माँ लक्ष्मी आपके सपने में आ गई है, तो अब आपके घर में भी जल्दी ही वह आगमन करेंगी। सपने में गन्ने को देखना भी पैसों के आने का संकेत माना जाता है। अगर सपने में सफेद या फिर सुनहरे रंग के सांप को देखा है, तो इसका मतलब है कि आपको जल्द ही धन की प्राप्ति होगी। दोस्तों, नंबर 14, सपने में अपने आप को घोड़े पर चढ़ते देखना, मतलब आपको कोई नया काम मिल सकता है, जिससे आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। नौकरी वालों को यह सपना आए, तो इसका अर्थ है आपकी उन्नति होगी। अगर आप सपने में काले बादल देखते हैं, साथ ही बारिश भी दिखे, तो इसका मतलब आप जिस भी चीज में निवेश कर रहे हैं, वहां आपको लाभ मिलने वाला है। सपने में पान खाना सुख समृद्धि आने का सूचक है। दोस्तों, नंबर 15, सपने में अगर आपको छोटा बालक ठुमक ठुमक कर चलता दिखाई दे, तो इसका अर्थ है कि आपको जल्द ही कहीं से धन मिलने वाला है। सफेद कमल, लाल रंग की चमेली, चांदनी और गुलमोहर के फूल सपने में दिखाई देना निश्चित ही भविष्य में अपार धन संपत्ति के आने का संकेत है। नंबर 16, रात में अचानक ही एक क्षण के लिए बांसुरी या घंटी की आवाज आना भी शुभ संकेत होता है। माना जाता है कि ऐसी आवाज आने का मतलब है आपके घर में देवताओं का आगमन हो रहा है। ऐसे में हरि नाम को बोलते हुए सो जाइए। इस बात का ध्यान रखें कि आपको किसी दिन ऐसी आवाज सुनाई दे या कोई भी इस तरह का आभास हो, तो आप उस सवाल का पीछा न करें। इन आभास के बारे में सिर्फ अपने परिवार या किसी बुजुर्ग को ही बताएं। किसी बाहरी व्यक्ति को बताने से इसका प्रभाव कम हो जाता है और इससे मिलने वाला लाभ आपको नहीं मिलता। दोस्तों, नंबर 17, अगर आपको रात में 12 से 3 बजे के बीच पायल की आवाज सुनाई देती है, तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत है। ऐसे में आपको डरना नहीं चाहिए। कई लोग इसे नकारात्मक शक्तियों से जोड़कर घबरा जाते हैं और उठकर घर में लाइट जला देते हैं, लेकिन ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसे आवाज सुनाई देती है, तो यह नकारात्मक शक्तियों का संकेत नहीं है। इस समय अगर पायल की चलने की आवाज आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हो रहा है। ऐसे में आप उस समय भयभीत होने की बजाय प्रसन्न हो जाइए और मन में माँ लक्ष्मी का ध्यान करके इच्छा जाहिर करके सो जाइए। दोस्तों, ये हैं वो संकेत हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि ईश्वर आपसे बहुत ही प्रसन्न है। जल्द ही आपको मालामाल करने वाले हैं। चलिए अब जानते हैं कि कौन सा है वो काम जो आपको तब करना है जब अगर आपकी नींद 3 से 5 बजे के बीच खुलती है। यह काम करने से न चूके, वरना यह समय आपके लिए शुभ फल की जगह बेकार हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे में आपको उसी समय उठ जाना चाहिए, आपको दोबारा सोना नहीं चाहिए। यह गलती बिल्कुल भी ना करें। आपको उठकर स्नान करके नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान का ध्यान करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको सुख और शांति मिलती है और इच्छा पूर्ति का वरदान भी मिलता है।